आज के इस टेंपल कन्वेंशन के प्रेस मीट के लिए आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। टेंपल कन्वेंशन करने के पीछे के उद्दिष्ट और करने का कारण, ये दोनों चीज़ें आपके माध्यम से मैं पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग एक ऐसा माध्यम है जो हम करना चाहते हैं, वो क्यों करना चाहते हैं और उसके पीछे का उद्दिष्ट क्या है वो लोगों तक बताने के आँख कान आप लोग हो। इसलिए आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। जैसे गिरीश ने कहा कि मंदिर टेंपल कन्वेंशन क्यों, मंदिर टेंपल कन्वेंशन वाराणसी में ही क्यों, और मंदिर टेंपल कन्वेंशन करने के पीछे का राज क्या है, शायद आपके लोगों के मन में भी वो क्वेश्चन होगा। लेकिन ये तीन चार चीज़ों को मैं आपके सामने बहुत ही स्पष्टता से आपके सामने लेकर जाना चाहता हूँ। ये मंदिर टेंपल कन्वेंशन 22, 23 और 24 जुलाई को वाराणसी स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और वाराणसी क्यों, तो वाराणसी एक ऐसी नगरी है जहाँ पर इतिहासों में ऐसे कहा जाता है कि वाराणसी नगरी का जो उगम हुआ, इस दुनिया में पहली ऐसी नगरी बनी जो वाराणसी थी, जहाँ पर महादेव जी का उगम है, जहाँ पर गंगा माँ का उगम है, जहाँ पर महाकाल का दर्शन है, और एक पवित्र नगरी के नाम से इस पूरी दुनिया में अगर पवित्र नगरी कौन सी है तो वाराणसी को जाना जाता है। और सोमवार से शुरू हुआ, या पिछले सोमवार से हिंदी कैलेंडर से शुरू हुए अधिक श्रावण मास का भी एक कारण इस वाराणसी नगरी में कार्यक्रम करने का है। इस मंदिर सम्मेलन में जो भी मंदिर टेंपल के लोग आएंगे, उन्हें वहाँ पर वाराणसी के महाकाल के दर्शन होंगे, भगवान शिव के दर्शन होंगे, गंगा की आरती होगी, और श्रावण मास में एक अलग अनुभव भी उन्हें वहाँ पर मिलने वाला है, और आप सभी लोग वहाँ पर इन्वाइट भी हैं। ये टेंपल कन्वेंशन करने के पीछे का कारण ये है कि 22, 23 और 24 को तीन दिन के इस कन्वेंशन में पूरे दुनिया के 25 से भी ज़्यादा देशों से, जैसे गिरीश जी ने कहा कि 35 देश वहाँ पर पार्टिसिपेट हुए थे, लेकिन 25 से भी ज़्यादा देशों के मंदिर के न्यास के लोग, जैसे कोई चेयरमैन या सीईओ होगा, या चेयरमैन सेक्रेटरी होगा, या सीईओ या पुजारी या मंदिर का ट्रस्टी होगा, ऐसे हर टेंपल से दो लोग इस पार्टिसिपेशन में आ रहे हैं, जिसमें पूरी अगर हम आपको बताएंगे तो लगभग 488 इंटरनेशनल टेंपल लोकेशन के टेंपल यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं, और हिंदुस्तान के लगभग 865 टेंपल इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं। 1250-1300 से भी अधिक लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली किया हुआ है, पार्टिसिपेशन ऑलरेडी किया हुआ है, और फिजिकली वहाँ पर हम लोग 716 टेंपल को इन्वाइट किए हैं। ऐसे नहीं कि 1200 को कर नहीं सकते थे, लेकिन पूरी वाराणसी की व्यवस्था देखते हुए इस टेंपल कन्वेंशन के माध्यम से, टेंपल कन्वेंशन एक्सपो के माध्यम से वहाँ पर रहने की व्यवस्था, रुद्र कन्वेंशन में बैठने की व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था, सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक की सारी व्यवस्था इस टेंपल कन्वेंशन एक्सपो के माध्यम से की गई है। और इसमें बैठने की क्षमता लगभग 1500 जन की रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में है। इसके लिए 716 टेंपल को डायरेक्ट इनवाइट किया गया है, और लगभग 600 टेंपल्स इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए 22 तारीख को सुबह 10 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख परम पूज्य मोहन भागवत जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे, और 10 दिन के 10 सेमिनार में, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये है कि जैसे कि आप सभी के मन में भी होगा और कई लोगों के मन में है कि टेंपल कन्वेंशन क्यों, तो इसमें भक्ति का भाव तो पक्का है, श्रद्धा का भाव तो पक्का है, लेकिन उसके अलावा भी मंदिरों के कई विषय होते हैं जिस विषयों को हमें लोगों तक ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि टेंपल सेफ्टी की बात आई तो फिजिकल सिक्योरिटी की बात आती है, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी की बात आती है, आईटी सिक्योरिटी की, कैमरा की, सीसीटीवी की, बैरियर्स की, सभी की बात आती है।
तो जहां जहां पर बड़े बड़े मंदिर है वहां वहां पर उन्होंने अपनी अपनी जो व्यवस्था की है, उसके अलावा भी उसमें बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज लोग आकर सेमिनार में बात करेंगे। अगर तिरुपति टेम्पल के प्रमुख वहां पर उनकी व्यवस्था सिक्योरिटी की कैसे उस बारे में बात कर सकते हैं, तो शायद अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के लोग भी उसमें उस सेमिनार में भाग लेकर मुंबई के सिद्धिविनायक हो या शिरडी हो, वो लोग भी उसमें सिक्योरिटी की उनकी व्यवस्था कैसी है और एक्सचेंज ऑफ आइडिया, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, उसमें वो लोग एक दूसरे के साथ चर्चा कर कर अपने मंदिर को सिक्योरिटाइज कैसा किया जाए। आज के समाज में, आज के समय में हर मंदिर को कहीं ना कहीं से तो थ्रेट्स है, उस थ्रेट्स को लंबा कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सेमिनार में होगी। दूसरा प्रमुख मुद्दा होगा फंड मैनेजमेंट का। तो फंड मैनेजमेंट के माध्यम से, जैसे कि मंदिरों में बहुत सारे करोड़ों रुपए आते हैं हमारी भावना के पैसे होते, मैं इसे एक लाइन में कहना चाहूँगा तो इसे पूरे सी टू सी मॉडल से हमें लोगों के सामने रखना है। तो सी टू सी मॉडल क्या होगा, तो कॉमन मैन का पैसा कॉमन मैन तक कैसे पहुंचे। तो कॉमन मैन जो हम भक्ति भाव से कोई मंदिर में जाते हैं, गणपति बापा के मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं, बुद्धिज्म के टेम्पल में जाते हैं या जैन टेम्पल में जाते हैं, स्वामीनारायण मंदिर में जाते हैं या महादेव का दर्शन लेने जाते हैं या लक्ष्मी माता का दर्शन लेने जाते हैं, हम हमारे पॉकेट से एक रुपये से लेकर हजारों रुपये तक, लोग करोड़ों रुपये तक भाव से उस दान पेटी में या रिसीट से डालते हैं। अब ये पैसे का विनियोग कैसे किया जाए, इस बारे में कुछ थॉट्स हम लोग वहां पर डिस्कस करने वाले। जैसे कि मैं सिद्धिविनायक टेम्पल में ट्रस्टी था, जैसे मेघा ने कहा कि उस समय 4 साल में हमने बहुत सारी सिस्टम सिद्धिविनायक टेम्पल में लगाए, जैसे कि 30% का फंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगाया जाएगा और 70% का फंड लोगों के लिए सी टू सी मॉडल से दिया जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ सिद्धिविनायक टेम्पल या शिरडी टेम्पल या तिरुपति टेम्पल ही वो करना चाहिए, तो 100% नहीं। फिर उसमें स्वामीनारायण टेम्पल हो, हरे राम हरे कृष्णा हो, बुद्धिज्म के टेम्पल हो, हमारे गुरुद्वारा हो।